हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग युआन से होती है। युआन युआन के कही हुई बात याद करते हैं कि युआन, मैं अपने लाइफ को दो शब्दों में बयां कर सकता हूँ और यो वी क्यान है। मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है जिस पर मैं बहुत कुछ खर्च कर सकता हूँ। युआन के नाक से खून पहले से ज्यादा निकलते है। युआन डोर नॉक कर रहा होता है और युआन जल्दी जल्दी नाक साफ करते हुए डोर ओपन करके कहता है, क्या बात है, क्या नींद नहीं आ रही? ऐसे कहकर युआन अपना हेयर टॉवल से सुखा रहा होता है। युआन बिना कुछ कहे उसके हेयर ड्राई करने के लिए उसे बेड पर बैठा देते हैं। युआन कहता है, तुम सचमुच मेरे बालों को ब्लू डाई करने पर जोर दे रहे हो। युआन ड्राई करते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें सिरदर्द है? लेकिन युआन उसे कहता है, यह लगभग ड्राई हो चुका है, यह अपने आप सूख जाएगा। युआन हेयर ड्राई करने के बाद उसे बेड पर लेटा देती है और कहता है, तुम्हारा भाई आज बहुत डर गया था, वो आज रात अकेले सो नहीं सकता। ऐसे कहकर उसे टाइट हक करते हैं और युआन सोचता है, अगर मेरा वहां से बस निकलना उस लेटर के साथ खत्म हो गया होता तो क्या मुझे इसका अफसोस होता? अगर मैं पाऊं कि मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं उसके लिए क्या सोच सकता हूँ? सान पेंग युआन से मिलने आते हैं। युआन पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? सानबांग कहता है, तुम्हारे और लेके बीच क्या हुआ? डॉक्टर लिन को चिंता है कि तुम्हारी हालत खराब हो गई है। युआन कहता है, डॉक्टर लिन सचमुच बफादर है। सानबांग कहता है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, तुम ठीक तो हो ना? युआन कहता है, मैं ठीक हूँ। सानबांग कहता है, यह बुरा लग रहा है। युआन कहता है, मैं ठीक हूँ। सानबांग कहता है, यह पहले से ही बहुत बुरा है, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? इसकी चेकअप करा लो। ठीक है, तुम ऐसा नहीं करोगे? युआन कहता है, मैं ठीक हूँ। सानपेंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं युआन को बुलाता हूँ। तभी युआन चेकअप के लिए मान जाते हैं। डॉक्टर लिन के बात करने का तरीका बिल्कुल अजीब है। डॉक्टर लिन उसे कहता है, जब तुम्हें मेरे पास लाया था तुम्हारी एज कितनी थी? 15 या 16? तुम बहुत बहादुर थे, है ना? सानपेंग डॉक्टर लिन से पूछता है, क्या उसे चेकअप के लिए किसी मेजर हॉस्पिटल में जाना होगा? डॉक्टर लिन कहता है, नहीं, वो बस पास में ही कोई हॉस्पिटल का बिस्तर ढूंढ सकता है और उस पर लेट कर मौत का इंतजार कर सकता है। वैसे तुम दोनों को न्यूरोलॉजिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए, चलो किसी मेजर हॉस्पिटल में चलते हैं, ठीक है? युआन डॉक्टर लिन से कहता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? ऐसे परेशान करना बंद करो। तभी सानपांग युआन से कहता है, तुम बिना किसी बात के बवाल मचा रहे हो, उसने तुम्हारे लिए जल्दी ही डोर खोल दिया, अपना एटीट्यूड छोड़ो। युआन कहता है, फिर मुझे यहाँ कौन खींच लाया? डॉक्टर लिन उसे कहता है, हे हैंडसम, आपके क्रिनियल नर्व्स पर ब्लड क्लॉट है, तो फू पर नहीं। सानपांग कहता है, भगवान का शुक्र है कि लिली तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती। तभी युआन के नाक से फिर खून निकलते हैं। सानपांग उसे कहता है, बस इसे बाहर निकालो। फिर से, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस हो या कुछ और? तुम किस गैंग में हो? तुम इसलिए चिंतित हो क्योंकि अब तुम्हें किसी मेजर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है? युआन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे खुद पता है। वैसे भी युआन को मत बताना, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। सानपांग कहता है, मैं जानता था कि यही कारण था। डॉक्टर लिन उसे कहता है, ठीक है, जाते समय रेफर के लिए वहाँ से स्लिप ले जाना। आपको हॉस्पिटल में इसकी जांच करानी होगी, अगर हालत और खराब हुए तो आप मर जाएंगे। ऐसे कहकर वो जाते हैं और युआन को भागते हुए देख लेते हैं। एक्चुअली युआन ने सब कुछ सुन लिया था और डॉक्टर ली उसे पीछे से आवाज देते हैं। युआन पूछता है, डॉक्टर लिन, मेरे भाई को क्या हुआ है? तभी डॉक्टर लिन उसे एक स्लिप देते हुए चले जाते हैं। लेकिन युआन पूछता है, युआन तुम्हें क्या हुआ है? युआन कहता है, कुछ नहीं। युआन पूछता है, क्या तुम्हारे बॉडी में फिर से कुछ गड़बड़ है? युआन कहता है, यह वही सानपेंग है, वो प्यार में पड़ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। हमने स्टाफ हेल्थ चेकअप पर डिस्कस करने के लिए डॉक्टर लिन के साथ एक अपॉइंटमेंट की। युआन कहता है, हेल्थ चेकअप? युआन कहता है, डॉक्टर लिन बहुत बिजी पर्सन है, आज सुबह वे फ्री है इसलिए हम यहाँ आए है। युआन कहता है, क्या तुम हेल्थ चेकअप के लिए किसी मेजर हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो? क्या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में कोई समस्या है? युआन कहता है, बेहतर होगा कि हम किसी ऐसे पर्सन पर छोड़े जिसे हम जानते हैं। डॉक्टर लिन के बहुत सारे कॉन्टेक्ट है,
युआन कहता है, युआन तुम सचमुच मुझसे कुछ तो नहीं छिपा रहे हो, है ना? तुम हमेशा ऐसा कहते हो, फिर तुम मेरी पीठ पीछे जाकर वो काम करते हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता। काश मैं तुम्हें बांध सकता, मुझसे कुछ मत छिपाना, ऐसे कहकर उसके सिर थपथपाते है और कहता है ठीक है। युआन उसके हाथ के ओर देखते है और उसे कहता है, उई जीवान तुम साहसी हो गई हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अच्छा बिहेव करूं? अब घर जाओ। नाइट क्यूआन घर वापस आने के बाद युआन को एकदम से सामने देखकर युआन डर जाते हैं। युआन सैड दिखाई देते हैं। युआन कहता है, वेलकम होम। युआन कहता है, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो, तुम अभी भी जागे क्यों हो? युआन कहता है, तुम्हारा वेट कर रहा था। युआन कहता है, क्यों? युआन कहता है, क्या सचमुच तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? मैं कल तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगा। लेकिन क्यूआन अपने रूम में चले जाते हैं। युआन कहता है, क्यूआन क्या तुम सच में मुझे कुछ नहीं बताओगे? नेक्स्ट मॉर्निंग सान पेंग क्यूआन और जियांग को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए देखते हैं। लेकिन चान पांग सिर हिलाते हुए एंजॉय से स्नेक खड़ा होता है। जियांग उसे कहता है, क्या तुम सिर हिलाना बंद कर सकते हो? इसे खाना बंद करो, हमें कुछ आइडिया दो। तभी युआन उन सभी से कहता है, क्या मैं हेल्थ चेकअप के बारे में बात कर सकता हूँ? यह सुनकर तीनों एक दूसरे के ओर देखता है। जियांग एक्टिंग करते हुए कहता है, हमारे कंपनी में हेल्थ चेकअप की जरूरत है, क्या मेरी उम्र है? देखो मैं सभी चीजों को आजकल भूल जाता हूँ। चान पांग अपना फोन निकालते हुए उसे कहता है, इसलिए हेल्थ चेकअप की जरूरत है, मुझे अभी डॉक्टर लिन से इसके बारे में बात करना होगा। एक्चुअली वो दोनों युआन के सामने एक्टिंग करके युआन के बारे में छुपाने की कोशिश करता है। युआन उसे कहता है, हाँ जरूर चेकअप करने के लिए जाओ, मैं अपने डेस्क पर जाता हूँ। ऐसे कहकर वो अपने डेस्क पर आते है। युआन कहता है, युआन सुनो। युआन कहता है, तुम उन दोनों के साथ चेकअप के लिए जाओ। युआन कहता है, तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा, मुझे पता है तुम भूखे हो। युआन कहता है, मैं नहीं हूँ। युआन उसे सीरियस होकर कहता है, क्या सचमुच तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? युआन कहता है, मुझे कुछ कहना है। तुम्हें याद है वो हॉटपॉट प्लेस जहाँ मैं तुम्हें पिछली बार ले गया था? वो प्लेस अच्छी थी, है ना? चलो हम वहाँ फिर खाने के लिए जाते है। ऐसे कहकर वो सानपांग के पास जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन को सानपांग से अकेले मिलते हुए देखते हैं। सानपांग उसे कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और अपने भाई को कहने के लिए मना क्यों किया? इसमें इतना सीक्रेट क्या है? क्या गड़बड़ है? क्या तुम ले के बारे में बात करना चाहते हो, है ना? उस दिन तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? युआन कहता है, सानपांग मैं बचपन से ही मेरे फैमिली की देखभाल करने के लिए आपका आभारी हूँ। किराया सस्ता था और आपने इससे कभी नहीं बढ़ाया, अपने हमें रहने के लिए जगह दी। घर लौटने के बाद से मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि मैंने वास्तव में आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, आप मेरे भाई भी है। सानपांग कहता है, हम फैमिली है, इन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। युआन कहता है, यह मायने रखता है क्योंकि हम फैमिली है। सानपांग कहता है, तुम बड़े हो गए हो। युआन कहता है, मैं आपसे अपने भाई के हेल्थ के बारे में पूछना चाहता हूँ। सानपांग कहता है, आपका भाई वो ठीक है, आपके भाई को क्या दिक्कत है? युआन कहता है, तुम्हें भी नहीं पता। सानपांग कहता है, डॉक्टर लिन से पूछो। युआन कहता है, पेशेंट के मना करने के कारण वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। सानपांग कहता है, जब तुम सोते थे उस गैंग से बचाने के लिए उसे बॉक्सिंग करना पड़ा, और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कैसा है, वो बहुत जिद्दी है। हम सभी को लगा कि उन तीन बॉक्सिंग मैच के बाद यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह एक छोटी सी समस्या लग रही थी। लेकिन अब तक नाप पर ब्लड का कॉल जम गया था, डॉक्टर ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ओइकन इसके लिए राजी होगा? वो सर्जरी ना कराने पर अड़ा हुआ था। कुछ सालों के बाद उसने कहा कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन फिर इन दिनों हुई फाइट के कारण यह ज्यादा हो गया है। यह सुनकर युआन तुरंत घर आते हैं। युआन बटन ढो रहा होता है और युआन से कहता है, मैंने आज बहुत सारा किराने का सामान खरीदा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम डिनर के लिए घर नहीं आ रहे हो? युआन पूछता है, युआन मैं तुम्हारे दिल में क्या हूँ? युआन कहता है, तुम अचानक क्या बात कर रहे हो? युआन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह बेहतर होगा अगर तुम इसे मुझसे छिपाओ? युआन पूछता है, मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ? युआन कहता है, सानपांग ने मुझे सब कुछ बताया। युआन कहता है, तो तुम सब कुछ जानते हो, डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, यह कोई बुरी बात नहीं है।
युआन उसके हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, युआन मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलने दो, ठीक है? युआन कहता है, मैं अपने ध्यान रखूंगा, मेरी चिंता मत करो। ऐसे कहकर उसका हाथ हटा दिया। युआन अपसेट होकर उसे कहता है, क्या तुम इसका ख्याल खुद रखोगे? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारे बारे में है? ऐसे कहकर वो जाते हैं। युआन सनपंग से कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सनपंग कहता है, मैंने क्या किया? युआन कहता है, तुमने युआन को क्यों बताया मेरे ब्लड कॉल के बारे में? सनपंग कहता है, उसे जानने का अधिकार है, हमें इसे उससे कभी नहीं छिपाना चाहिए था। युआन कहता है, लिली के बारे में क्या? क्या तुमने लिली को बताया? सनपंग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मैंने ऐसा नहीं किया। अभी युआन को इसके बारे में पता है। युआन कहता है, तुम बीमार नहीं हो, क्या होगा अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं और कभी बाहर ना आऊं? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? युआन और लिली का क्या? सनपंग कहता है, लिली मेरे साथ है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युआन अजीब प्रताप कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे तरह इसकी चेकअप ना कराने के अलावा वो इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे नहीं बताया। तभी युआन को युआन के सभी कही हुई बात याद आते हैं कि तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है यह बेहतर है अगर तुम मुझसे इसे छिपाओ? मैं तुम्हारे दिल में क्या हूँ? यह सोचकर युआन अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। सनपंग उसे कहता है, युआन तुम्हें प्यार करता है इसलिए वो चिंतित और परेशान है। अगर मैं होता तो मैं भी नाराज होता। तुमने खुद ही ये सब अपने ऊपर ले लिया है, शिकायत मत करो, मैं तुम्हें बता दूं, यह कर्म है। युआन कहता है, कर्म? सनपंग कहता है, हाँ। युआन कहता है, क्या मैं इनोसेंट नहीं हूँ? मैं खुद इसका ख्याल रख सकता हूँ, मैं उसे इसमें क्यों घसीटूं? मैं वास्तव में उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। सनपंग कहता है, तुम्हें साफ पता है कि वो तुम्हारे बारे में चिंतित है, तुम जिद्दी क्यों हो रही हो? युआन उससे अपसेट होने के कारण उससे इग्नोर करना शुरू कर दिया। युआन और लिली साथ में खाना खाते हैं। तभी युआन घर आते हैं। लिली कहती है, युआन आप वापस आ गए हैं। युआन कहता है, आओ और खाना खाओ। लिली कहती है, युआन युआन ने तुम्हारे सभी पसंदीदा खाना बनाई है। लेकिन युआन उसे इग्नोर करते हुए रूम में जाते हैं। लिली कहती है, उसे क्या हुआ? युआन कहता है, ठीक है तुम खाओ। युआन को ऐसे इग्नोर करते हुए देखकर लिली पूछती है, आप और युआन के बीच क्या चल रहा है? युआन कहता है, कुछ नहीं, हम ठीक है। ऐसे कहकर वो कमरे में जाते हैं। तभी लिली सनपंग को फोन करके कहती है, उसे काम पर जाना है, मैं कल दोपहर को वापस आऊंगा, इसलिए तुम यहाँ आओ। दोनों ने शायद फिर से फाइट किया है। सनपंग घर आते है और कहता है, लिली घर पर नहीं है, चलो साथ में बियर पीते हैं और मैंने साथ चिकन भी लाया हूँ। ऐसे कहकर उसे पीने के लिए देते हैं। तभी युआन आकर बियर और चिकन ले जाते हुए उसे कहता है, मेरा भाई बियर नहीं पी सकता। ऐसे कहकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया और उसे सलाद देते हुए कहता है, इसे खाओ। ऐसे कहकर वो अपने रूम में जाते हैं। युआन सनपंग से कहता है, क्या तुमने वो मेरे लिए खरीदा या उसे फेंक देने के लिए खरीदा? सनपंग कहता है, अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो ऐसा नहीं करता। युआन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। युआन को कंट्री छोड़ देने से पहले मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों के लिए सही काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें खालीपन तभी महसूस हुआ जब युआन दूर था? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जब लिली और मैं पहली बार साथ आए तब मैंने भी स्ट्रगल किया है। मैं हमेशा सोचता था मैं उसे खुशी दे सकता हूँ या नहीं, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सामना कैसे कर सकता हूँ। और फिर मुझे लगा कि यह सही नहीं है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, सालों तक इस पर टिके रहना क्या इतना टाइम वेस्ट करना उचित है? बहुत सी चीजें है जो तुम्हारे और युआन के बीच है। जब तक तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है और युआन ही ओनली पर्सन है जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुम वहाँ के इसका सामना नहीं करने वाली हो? युआन कहता है, सनपंग क्या तुम जानते हो कि लाइफ में मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? लाइफ में मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि वे खुश रहे।
अनुपम कहता है मैं भी चाहता हूँ। युवान रोते हुए कहता है मैं बॉस यही चाहता हूँ कि वे हेल्दी और हैप्पी रहे क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। अनुपम कहता है हम साथ साथ बड़े हुए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए लाइफ कितना हार्ड रहा है, लेकिन तुम युवान की फीलिंग्स को जानती हो क्योंकि तुम अलग हो। हमने सब कुछ करने की ट्राई की है, हमने उससे सालों तक एब्रॉड भी भेजा। तुम हर दिन दुखी रहती थी, तुम उससे प्यार करती हो और वो भी तुम्हें प्यार करता है। भले ही तुम साथ ना हो वो तुम्हें दुखी देखकर दुखी होगा। युवान कहता है सनपंग मुझे डर लग रहा है, तुम्हें पता है। सनपंग कहता है तुमने कोशिश भी नहीं की, तुम्हें किस बात का डर है। युवान कहता है क्या तुम्हें पता है कि उस दिन वो अकेले वांगले को खोजने गया था, छह लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई की और अंत में उन्होंने उस पर बंदूक तान दी। तभी मैं बहुत डर गया था। सनपंग कहता है तुम मुझे अभी बता रहे हो और इसलिए तुमने हार मान लिया है। किवान कहता है इसलिए यह कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसे मैं इतनी हल्के में ले सकता हूँ, मुझे फ्यूचर पर विचार करना होगा। सनपंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिना उसका फ्यूचर अच्छा रहे। किवान कहता है मुझे इसके बारे में सोचने दो, तुम घर जाओ। सनपंग घर जाते है लेकिन इवान ने सभी बातें सुन लिया था और वो अपसेट होकर घर से बाहर निकल गया। किवान उसे जाने से रोकता है। किवान कहता है किवान यह कभी भी तुम्हारी गलती नहीं थी, हालांकि मुझे पता है कि अंत में तुम्हारी मेरी दी हुई हर चीज की जरूरत नहीं होगी, फिर भी इसे सीधे सुनना थोड़ा दुख देता है। मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ समय चाहिए। युवान कहता है मेरा मतलब यह नहीं था। युवान पूछता है तो क्या था। युवान कहता है मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह प्यार है या कुछ और। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ क्या यह भाईचारे का प्यार है, क्या हम वाकई इसे रोमांटिक प्यार में बदल सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चार साल बाद तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हारे आखिरी शब्दों वाला लेटर देखा। मैं डरा हुआ हूँ, क्या होगा अगर मुझे तुम्हें वापस पाने का सांस ना मिले। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। युवान कहता है युवान मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं अपनी लाइफ दो शब्दों में बयां कर सकता हूँ, वो है विज्ञान। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरा पीछा इसलिए किया क्योंकि तुम दोषी महसूस करती हो या इसलिए क्योंकि तुम परवाह करती हो? मैं वास्तव में नहीं जानता, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यह हमेशा से मेरी समस्या रही है, तुम्हारे साथ घर जाना और तुमसे जुड़ना, तुमसे प्यार करना। मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, यह कभी तुम्हारी गलती नहीं थी। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं, लेकिन क्यूआन उसके हाथ पकड़ते हुए उसे जाते हुए रोकता है। और यही पर ही एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।